चैनल वेस्ट कॉमर्स क्लासेस। माय नेम इज शिवानी एंड आज हम लोग कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज की बात करेंगे जिसमें जीएसटी के साथ, और ये एंट्रीज हम लोग ने अपना जब नॉर्मल जनरल एंट्रीज पास कर रहे थे तो उसमें भी देखा था। तो यहाँ पे ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, एंट्री को सेम रहेगी, बस उसके साथ हमें अपनी जीएसटी की एंट्री को भी साथ साथ देखना है कि उसको कैसे हम पास करते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं हम लोग चैप्टर 8 जर्नल पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ एंट्रीज है जो हम लोग देखने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। ओके, तो पहला जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो है गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, इसकी एंट्री आप पिछले नॉर्मल जनरल में भी देख चुके हैं कि कैसे होनी है। यानी देखिए, आपने जो गुड्स खरीदा है, परचेज किया है, वही गुड्स आपका सेल होने के बजाय प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल काम के लिए ले लिया है, यानी कि ड्रॉइंग कर ली है। तो मैंने आपको बताया था जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जो आपने खरीदा हुआ माल है उसमें से वो माल कम हो गया ना, बिकने की बजाय वो माल अब आपका बिका नहीं, वो एक तरह से कॉस्ट आपकी समझिए, आपको एक तरह से कहते हैं लॉस हो गया। अगर आपने, क्योंकि इसपे आपको प्रॉफिट कमा नहीं पाए, पैसे तो आपने लगाए लेकिन वो पर्सनल यूज के लिए गए, तो वो परचेज आपकी घट गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या पास होती है, हमारी एंट्री जो पास होती है वो ये पास होती है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्योंकि इसके पहले हम लोग परचेज को डेबिट करते हैं, है ना। जब हम परचेज करते हैं तो परचेजेस हमारी बढ़ती है, एक्सपेंस हमारे इंक्रीज होते हैं, तो हम अपना डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे परचेजेस डिक्रीज हो रही है, यानी ये जो खर्च है कि आपका घट रहा है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। घटने का मतलब, परचेजेस कम होने का मतलब कि आपका जो है, जो आप लेके आए थे सामान, एक तरह से लॉस हुआ, ड्रॉइंग में निकल गया था लॉस, तो लॉस हो रहा है तो फिर आप उसको जो है आपने क्रेडिट पास कर लिया, रिवर्स एंट्री करनी होती है। ठीक है, अब देखिए टू परचेजेस अकाउंट। ओके, तो देखिए ये तो आपकी सिंपल जनरल एंट्री होगी, लेकिन अगर आपने वो सामान खरीदा था जिसपे आपने जीएसटी या आईजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया था, तो उसी के वो भी आपको एंट्री उसका भी रिवर्स करना पड़ेगा, केवल परचेजेस का नहीं, बस यही है। ये सेम एंट्री आपने पहले भी पास करी और यहाँ पे कुछ नहीं, अगर आपको परचेज की एंट्री वापस से क्रेडिट हो रही है तो आप इसके साथ ही साथ अपना इनपुट सी जीएसटी अकाउंट टू इनपुट एस जीएसटी अकाउंट को वापस से रिवर्स करोगे टू इनपुट आई जीएसटी अकाउंट को क्रेडिट कर लोगे वापस से। मतलब तीनों एक साथ नहीं होंगे, अगर किसी में दो हो सकते हैं और किसी में एक, है ना, डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन किसके बीच में हुआ है। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जीएसटी की वाली एंट्री रिवर्स हो रही है, मतलब कि ड्रॉइंग हो रहा है, तो परचेज के साथ आपको अपना जीएसटी की एंट्री को भी क्रेडिट करना है। ओके, उसके बाद जो है अब यहाँ पे सेम दूसरा केस क्या है, गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स डोनेटेड, मतलब कि वो गुड्स आपने चैरिटी पे दिया है या फिर डोनेट किया, मतलब उस पर आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, आपने वो दे दिया है ना, यहाँ पे भी आपकी परचेजेस घट गई, है ना। जो सामान आपने खरीदा था वो आपने किसी को ऐसे दान में दे दिया, मतलब उसमें कोई आपको प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी सेम यही एंट्री होगी कि चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस होगी। साथ ही साथ आपको ये तीनों भी उठा के उसी के साथ चिपका देनी है। ठीक है, तो देखिए इसकी भी देख लेते हैं हम लोग, चैरिटी या फिर डोनेशन अकाउंट को हमने डेबिट कर लिया टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आपकी रिवर्स की एंट्री कहलाती है। ओके, कि मतलब जब आप भी परचेजेस घट रही हैं, आपकी रिवर्स हो रही है, मतलब आपने जो गुड्स खरीदा है उसका यूटिलाइज या तो ड्रॉइंग के लिए हो रहा है या चैरिटी और डोनेशन के लिए हो रहा है, तो आपने जो उस पर टैक्स का पेमेंट किया है वो भी आपका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स ही हो रहा है। ओके, चलिए अब इसी के साथ साथ एक इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं, तो जिससे हमारी ये एंट्री और हमें क्लियर कर देंगी। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, उसमें तीन पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है
विड्रॉल गुड्स फॉर पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, यानी कि ड्रॉइंग हुई है यहाँ पे जिसकी कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट का ड्रॉइंग करी गई है, 5000 रुपए की, ठीक है। उसपे मतलब कि यानी ये गुड्स पहले तो परचेज ही हुआ होगा, और जब आपने ये गुड्स को खरीदा होगा उसपे आपने IGST पे किया, यानी कि आपने ये आउटसाइडर स्टेट से खरीदा है, आपने IGST पे किया 18%, ठीक। उसका सेल प्राइस है 7000। सेल प्राइस इररिलेवेंट है क्योंकि जब हम बेच ही नहीं रहे हैं तो हमें सेल प्राइस का कोई मतलब ही नहीं, हमने जितने में खरीदा वो अपना ड्रॉइंग्स के लिए निकाल लिया, तो एंट्री हमारी क्या पास हो रही है, ड्रॉइंग्स हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने पर्सनल यूज के लिए यानी ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग किसमें कवर होती है, आपकी कैपिटल में, तो यहाँ पे कैपिटल आपकी रिड्यूस हो रही, भाई आपने पैसा निकाल लिया बिजनेस से फर्म से तो कैपिटल आपकी घट गई, यानी डेबिट आप करोगे, तो ड्रॉइंग अकाउंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ठीक है, परचेजेस अकाउंट टू इनपुट IGST, ये आपने पेमेंट किया है ये, ठीक है। तो ड्रॉइंग आपके कितने की होगी, यहाँ पे परचेज आपने कितने का किया था, 5000 का, और इस पे 18% के हिसाब से आपने GST IGST पे किया, वो हो गया 900, है ना, और तो ड्रॉइंग हो गई आपकी 5900 रुपए की, ठीक, ये हो गई। सेकंड सिचुएशन कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज डोनेशन, ठीक है, 500 रुपए का गुड्स इन्होंने डोनेट कर दिया है। दीज गुड्स वर परचेज पेइंग CGST एंड SGST एट द रेट 9% ईच। इस लाइन का मतलब ये है कि ये 500 रुपए का गुड्स जब कंपनी ने या बिजनेसमैन ने खरीदा होगा तो उसपे उसने जो है CGST भी पे किया था और SGST भी पे किया था एट द रेट 9% ईच, ठीक है। यानी कि अब जो है ये तो विद इन स्टेट उसने परचेज ये ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है, तो डोनेट किया तो सिंपल यही एंट्री हो जाएगी, बस ड्रॉइंग की जगह डोनेशन हो जाएगा, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस कम हो रही है तो हमने क्रेडिट कर लिया परचेजेस अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट कर लिया हमने, ठीक है। 500 रुपए का हमारा परचेज था 500 और 9% 45 यानी कि 590 रुपए का डोनेशन किया है हमने, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं जो तीसरी सिचुएशन है वो ये कह रहे हैं कि राजीव अ चेक फॉर ₹5000 रिसीव फ्रॉम राजीव, यानी कि हमने राजीव से 5000 रुपए का एक चेक रिसीव किया जिसको हमने अपने बैंक में जब जमा किया तो वो वहां से वापस आ गया क्योंकि डिसऑनर हो गया, यानी कि बैंक में उनके पैसे ही नहीं थे, ठीक है। जब बैंक में पैसे नहीं थे तो ये वापस से हमारे लिए क्या बन गए, डेटर बन गए, इन्होंने हमें पेमेंट किया ही नहीं तो डेटर बन गए, डेटर इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे, बढ़ गए 5000 से, तो राजीव को हमने कर लिया डेबिट, राजीव अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि चेक वापस आई है ना, तो हमने बैंक को कर लिया क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट, यहां से एसेट हमारी डिक्रीज होगी क्योंकि हमें वो पैसा ही नहीं मिला, तो एसेट डिक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं 5000 रुपए से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना इलस्ट्रेशन 15 कवर कर लिया, ठीक है। तो आई होप सो स्टूडेंट आपको आज के ये टॉपिक समझ में आए हों, काफी कोशिश की मैंने अच्छे से समझाने की, ठीक है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप मुझे लिख के बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो आपको पता है आपको क्या करना है, मेरे वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और कंटिन्यू आगे के टॉपिक्स देखने के लिए आपको बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।